कुरान मजीद के वो किस्से, वो दास्तानें जो खुदावंद करीम ने बनी नौए बशर की इबरत के लिए बयान की, उसको इब्लीस ने हज़रत आदम हज़रत हव्वा को बरगलाया और इसके नतीजे में तरके औला हुआ। अराज़ा हुम का मतलब है, ये हुम की जो ज़मीर है ज़बील उकूल के लिए इस्तेमाल होती है। पहले पत्थरों के दौर में रहा करता था, गोया ये एक मजहर है खुदावंद करीम के इल्म का। ये बात अगर एक जगह होती तो समझ में आता, लेकिन इसी आयत में तकरीबन 3-4 जगह पर खुदावंद करीम ने ज़बील उकूल की ज़मीर इस्तेमाल की है।